आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। क्या नाम है सर आपका? राज बहादुर। मलिनी में विधानसभा सकुशल संपन्न हो चुका, मलिनी की मतदाताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सर प्रथम तो मैं मलिनी विधानसभा के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उत्साहजनक ढंग से उन्होंने रिकॉर्ड मतदान किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं और लोकतंत्र के पर्व में उनका जो योगदान है वो सराहनीय है। 10 तारीख को निर्णायक फैसला आने वाला है, इसमें मलिनी में क्या भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी, इसके बारे में क्या कहें? मेरा विश्वास है मलिनी की जनता भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ जो विकास का कार्य हुआ है, उसकी जो राष्ट्रवादी नीतियाँ हैं और भयमुक्त समाज बनाने का जो कार्य हुआ है उसके पक्ष में मतदान करेगी और मतदान किया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे, और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होता है तो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार और भाजपा का विधायक मलिनी की जनता का विकास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचेगा। क्या दोबारा फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी? बिल्कुल अवश्य बनेगी।